कौन आ गया भाई? ऐसा लग रहा है जन्नत में बैठा हूँ मैं, जन्नत में। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। और अभी इस वक्त हम हैं काजा में, आपको दिखा कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है बाहर, ढंग से दिख ही नहीं रहा है। तो पिछला वीडियो देख लेना, बहुत ज़्यादा एडवेंचर हुआ है, मतलब ड्राइव में स्नो चेन्स लगानी पड़ी सागर भाई की गाड़ी में, और मैंने भी गाड़ी बहुत मुश्किल से पेट्रोल पम्प तक ली है, फिर डीजल भरवाया, फिर वहाँ से अब वापसी आए हैं। कैंप लोकेशन देखने जा रहे हैं अभी, और ये है नीचे मेन काजा का रोड, और मैं पूरा का पूरा ना बाज़ार बंद है, बस एक दो बीच में दुकानें खुली होंगी वो भी किराने की। तो ये देखिए बाहर क्या भयंकर बर्फ़ पड़ रही है, मतलब अब ना भाई की चेन क्या लगा दी, अब तो प्रो बन रहे हैं अपने आप को। देखो फुल मस्त चल रही है अभी उनकी गाड़ी, वहाँ पेट्रोल पंप से निकल नहीं पा रही थी चेन की, मतलब फिसल रही थी बहुत ज़्यादा, और अपनी गाड़ी तो निकल गई थी आराम से, दूसरे टेक में निकली थी। लेकिन हमारी भी, हमारा सबसे मेन काम था कि काजा से हमें डीज़ल मिल जाए, और डीज़ल हमारा फुल हो चुका है, और काजा की पूरी मार्केट बंद थी, जो हम सामान लेना चाहते थे वो हमें मिला नहीं, अब सिर्फ ताबों में मिल सकता है। लेकिन हमें कैंपिंग करनी है बीच में जहां स्नो भी हो, तो देखते हैं क्या करना है। काजा में हम इसलिए नहीं रुके क्योंकि देखो सामान भी नहीं है, और कैंप यहाँ करेंगे तो हो सकता है फंस जाए, तो इसलिए ऐसी जगह में करेंगे जहाँ कम थोड़ी सी बर्फ़ हो। ये देखो गाड़ी किस तरह से बर्फ़ को काटते हुए चल रही है बड़े प्यार से, उसमें स्नो चेन भी लगी है तो बहुत मस्त तरीके से बर्फ़ हटा रही है। और वैसे अब ये प्लेन ही रोड है, यहाँ पे ज़रूरत तो है नहीं स्नो चेन की, लेकिन लगा दिए भाई ने तो अब चलने देते हैं उसको, जब बर्फ़ कम होगी तब खोल लेंगे ताकि डैमेज ना हो चेन। अब आया असली मज़ा भाई विंटर स्पीति देखने का, पूरी की पूरी रिवर ऐसे भागों में बटी हुई है और पानी चल रहा है, और मन कर रहा है कि उस कहीं बीच में हम कैंप कर रहे होते। हाँ यार मज़ा आ जाता, देखते हैं आगे है लोकेशन ऐसी भी रिवर साइड में। तो यार गाड़ी ना बड़ी मस्त लग रही है, मस्त एकदम बर्फ में धांसू लग रही है गाड़ी, यही है इस गाड़ी लेने का फायदा, यही है मजा। सागर भाई ने घुसा दी है गाड़ी, पर मुझे यहाँ जगह कम नजर आ रही है, और सामने वो कोई कंस्ट्रक्शन साइट सी है। चलो हम भी चलते हैं। तो यार मैं आ चुका हूँ पूरे गुंडे वाले गेटअप में, पूरे पैक हो गए हैं क्योंकि बर्फ़ हो रही है, हवा चल रही है, और इधर लगी अपनी गाड़ी। सागर भाई ने रूफटॉप टेंट खोल दिया है, हम खोलेंगे थोड़ी देर बाद। अरे भाई फिसल गया इधर, इधर क्या सीन है ना, पता नहीं नीचे पानी है, पानी जमा हुआ है, पता नहीं कैसी क्या सीन है इधर, मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे पानी वाला लग भी नहीं रहा एरिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूरी ये पानी वाला एरिया है जो कि जमा हुआ है सब। यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, भाई की स्नो चेन से पूरा टूट गया था, ये देखो जैसे यहाँ से ये आई चेन पूरा टूट गया, ये कट 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 करके। तो यहाँ पर करेंगे आज रूफटॉप कैंपिंग, गाड़ी के हाल देख सकते हो आप लोग कैसे हैं, और पीछे का नज़ारा देख सकते हो एक बार कितना खूबसूरत है। तो यहाँ पर बन रहा है हमारा एग और ब्रेड, फिर से वही पुराने वाला ही अपना, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास अब है नहीं इतनी ठंड में, और लंबी चीज़ें बनाना भी मुश्किल है। तो चाय रख दिया, देखिए चाय बन रही है, इधर बन रहा है अंडा ब्रेड, फटाफट बनाते हैं, और उधर बन रही है मैगी, मैगी भी खाएंगे, सूपी मैगी। हवा लगी है ब्रो, छूट गया कैच।
यार ये भी छूट गया, क्या बंदा यार तू, बेइज्जती करा रहा है। ये ले लास्ट, ये व्हाट अ शॉट, वेरी गुड। तो यार सागर भाई ने बनाई है मैगी, जो कि बहुत टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है, मज़ा आ गया इस नज़ारों में। मैगी ऐसी ठंड में तो भाई मैगी तो चलेगी। क्या कर रहा है? तो ये खुल रहा है अपना रूफटॉप टेंट और हाथ हो गए सुन, और एक बंदे से खुल नहीं रहा है भाई। ओ यार एल्युमिनियम कैसे चिपक रहा हाथ में। तो भाई तो यार हमारा खाना पीना हो गया है, अभी 4:30 तो दोबारा से हमने अपना सेटअप बंद कर दिया, अब डिनर बनाएंगे आराम से। तो डिनर एक ही किचन में बनेगा, वो बनाएंगे साथ में सभी आराम से। और मेरा टेंट तो ऐसा फड़फड़ा रहा है जैसे पगला गया हो बेचारा। डंडियाँ लगाओ तब भी इसके यही हाल है, ना लगाओ तब भी। तो देखते हैं रात को लगानी है नहीं, लगानी पड़ेगी क्योंकि ऐसे आवाज़ बहुत तेज आएगी। रियल कैंपिंग यही होती है कि बर्फ़ पड़ रही है, जो मर्जी हो रहा, हमारे पास ना ही कोई एक्सपेंसिव गैजेट है और ना ही बहुत सारी मतलब ऐसी महंगी महंगी चीज़ें हैं, ना ही टेंट के अंदर हीटर है, ना ही हमारे पास अपना हीटिंग वाली जो ब्लैंकेट आता है वो भी नहीं है। फिर भी हम कैंपिंग कर रहे हैं इस वेदर में, काजा में बर्फ़ पड़ रही है लाइव और टेम्परेचर जाएगा -25 से 30। सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम जो दिन है हमारा वो आज ही होने वाला है, तो आज देखते हैं कैसा रहता है। आज तक तो हमारा बिल्कुल कोजी रह रहा था सोने का। मेरे पास 4 लेयरिंग है ओनली कंबल की, 4 लेयरिंग, और सागर भाई के पास 2 रजाई और शायद 1 कंबल है, और 1 कंबल वो नीचे बिछाते हैं। तो ये हमारा सिस्टम है, बाकी आप देख ही रहे हो बड़े आराम से हम कैंप कर रहे हैं। तो ज़्यादा कैंपिंग के लिए ना हवाबाजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास हिम्मत होनी चाहिए और आराम से हो जाता है। और हवा देखो आप किस लेवल की हवा चल रही है, हवा तो खतरनाक है भाई, हवा डेंजरस है। तो गाइज हम लोग बैठे थे टेंट में, ब्लोअर सेक रहे थे गाड़ी में, और इधर आगे हमारे भाई ये एक्सप्लोर ऑन व्हील्स तो खड़े हैं, बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं चलो राइड ले लो। तो हम एक राइड लेके आते हैं मैं और सागर भाई। पीछे स्पेस बना लो, किसी को बिठाना है क्या? नहीं हम दो ही काफी है, यहीं घुमा लो, एक ही कट में घूम जाएगी। हाँ जी व्हील्स नहीं है, हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, जैसा चल जाता है। हाँ हाँ सही है, ऐसे ले लो, ऐसे घुमा दो बस भैया, डोगी बचा लेना। अरे आने दो, क्या सोच रहे हो यार, इधर आने दो मेरे पार के, इधर आने दो। नहीं लगनी ना, हार्ड है मैनुअल। हाँ हार्ड है इसके, थोड़े से जिप्सी जैसे गियर हैं, उनको आदत नहीं है ना मेरी गाड़ी की, फिर भी हार्ड है। तो गाइस देखिए आज हम आगे जिमनी पे, धीरे धीरे एक्सलेट कम, चारों पहिए पे आइए। हाँ तो भाई चल पड़े, और सीट बेल्ट का अलार्म बजने लग पड़ा है, फोर लगा के रखी उन्होंने, 4 हाई पे है ऑलरेडी। सागर भाई चलाते हुए, तो भाई मैं तो पेट्रोल गाड़ी बहुत बहुत ही रेयर चलाई है। अच्छा, और 4x4 तो वैसे ही कम ना के बराबर चलाई है। कैसा लग रहा है चला के? सही लग रहा है, मस्त है ना, मतलब ये कैसा लग रहा है, सारी गाड़ियां पूरे कंट्रोल में, छुटकी सी, मस्त है ना। सही है यार, जिमनी सही है भाई, जो बुराइयां करते हैं पता नहीं क्यों करते हैं, थोड़े गियर हार्ड है थोड़े, हाँ इसीलिए तो ऑटोमेटिक लो। सही है, लेकिन हार्ड तो होते ही है, जैसे मेरी TUV है उसके भी हार्ड ही है गियर, तो 4x4 की ना पकड़ ना पता लगती है टायर की, कि ग्रिप में है ना। हाँ, ग्रिप में है। हाँ। तो यार अभी मैं हूँ ड्राइवर सीट पे, और देखिए भाई मारुति पे आ गए हम फिर से अल्टो के बाद, और यार मुझे अल्टो के बाद यही लेनी चाहिए थी भाई, क्योंकि ये दूसरी अल्टो की जैसी है, और पकड़ इसकी रोड पे भाई मजा आ रहा है भाई, मस्त। हाँ ब्लैक आई से फुल, अभी हम उतरे थे तो फुल स्किड हो रहे हैं, ब्रेक में तो हल्की सी, हाँ हल्की सी राइट हुक हुई ना, बट फिर भी कंट्रोल में थी, बिल्कुल ये तो कंट्रोल में थी। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं बोनफायर, तो बोनफायर के लिए तैयारियां करते हैं, आप लोग देखिए जरा कैसे कैसे क्या क्या करते हैं हम लोग। हाँ यही ऐसे कर दो, और तो हमने सबसे पहले दिन पेड़ तो सड़क वाला वो भी निकाल लो, ये
तो बोनफायर तो हमारी लग गई भाई, ये लकड़ी इतनी सूखी है, बड़े प्यार से जल गई। तो यार हमारी बोनफायर जल गई है सामने, और आप नज़ारा देखो कैसा लग रहा है भाई, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है कि मतलब मज़ा ही आ गया है। थोड़ा सा ब्लू शेड आ रहा है थोड़ा सा, और आग से जो है येलोनेस आ रही है, और वैसे पूरा वाइट है, पूरा वाइट लैंड है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, और पड़ रही है उस तरफ काजा की तरफ ज़्यादा पड़ रही है, यहाँ पर थोड़ी हल्की 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 बूंदें पड़ रही है, और हवा भी कम हो गई है। जैसी हवा कम होती है ना तो हमें रिलैक्स मिलता है, हवा आ जाती है तो भाई हम दुखी हो जाते हैं, क्या करें। लेकिन कोई बात नहीं, हम सब झेल रहे हैं बड़े आराम से, क्योंकि हमारी लेयरिंग वैसी है। और इधर आप सोचो कैंपिंग में, ऐसी कैंपिंग में आपने किसी बंदे को राजमा बनाते हुए देखा है? भाई मैंने तो आज तक सिर्फ बंदों को ना रेडी टू ईट उबालते हुए और खाते हुए देखा, सीधी सी बात। और हमने, मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में कभी रेडी टू ईट लाया नहीं कैंपिंग में, वो परांठे वरांठे ये वो कुछ बनी राजमा है ना, हाँ मैगी तो रेडी टू ईट नहीं है ना, फिर भी उसमें करना ही पड़ती है मेहनत, उसमें पानी उबालते हैं और पानी में पैकेट डालते हैं और हो गया वो, वैसा हमने कभी यूज़ नहीं किया भाई, चाहे कितनी ही टफ कैंपिंग क्यों ना हो, और इससे ज़्यादा टफ क्या ही कर लोगे यार। बोनफायर ऐसी बर्फ में मिल जाए ना भाई, ऐसा लग रहा है जन्नत में बैठा हूँ मैं, जन्नत में। इधर बन रहे हमारे चावल, और इसके बाद बनेंगे राजमा, उबल चुके हैं ना राजमा, तो आज सारा काम भानु का है। यार ये जो पंखा है ना सागर भाई का, इसकी तारीफ कर करके नहीं थक रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बोन फायर को ऐसे जलाता है भाई, मजा। हाँ गिल्ली लकड़ी डाल दो चाहे, मजा आ जाता है यार, ये बहुत जरूरी है भाई, इसको रख लो, गर्मी में हवा देगा, सर्दी में आग जला देगा, और क्या चाहिए। तो भाई इधर लग गया है तड़का राजमा के लिए, और इधर सागर भाई लेके आए लकड़ी, थोड़ा सा फ्लेम हो गया ना। हाँ और लाइटें देखो, एक लाइट दो लाइटें टेंट पे, और एक लाइट हमने इधर चिपका दी है। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए आया था गाड़ी में, और बाहर देखो फिर से घनी बर्फ शुरू हो गई। यार मैं तो गाड़ी को बार बार स्टार्ट कर रहा हूँ, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के बाद, और रात को रखूँगा फुल ऑन, फुल नाइट ऑन, क्योंकि डीजल लग जाएगा 200-400 का, और अगर स्टार्ट नहीं रखी तो पंगा हो गया, तो फिर वो पड़ेगा भारी, इसलिए रात को रखेंगे फिर से स्टार्ट। लेकिन बर्फ़ देखो आप बाहर कितनी ज़्यादा पड़ने लगी है फिर से, मज़ेदार। तो गाइस इधर आ चुके हैं राजमा चावल, यार मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी जल्दी कर दो, ऐसी बर्फ़ में भाई ठंड में। अब तो हमारी लकड़ियाँ भी ख़त्म होने वाली है, वैसे अभी स्टॉक और है लेकिन वो कल के लिए है। तो गाइस भानु ने जो राजमा बनाए ना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मज़ा आ गया मतलब, और ऐसी बर्फ में ऐसी ठंड में ऐसा खाना मिले भाई मज़ा आ जाता है। तो डिनर हमारा हो गया, और अभी जा रहे हैं सोने, सोने तो क्या अभी गाड़ी में बैठेंगे थोड़ी देर, गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ी देर एडिट वगैरह काम वगैरह करते हैं गाड़ी में ब्लोअर चला के, मज़ा आता है भाई ऐसे गाड़ी में बैठने का। बाकी क्लोजिंग तो हमने कर ही दी। गुड मॉर्निंग गाइस, तो रात को शूट नहीं कर पाए, और अभी सुबह हो चुकी है, पीछे देखिए सूर्य देवता आ गए हैं। तो वैसे आज भी बर्फ़बारी ही बताई है, लेकिन फिर भी मौसम क्लियर हुआ है, अगर ऐसा रहे तो मज़ा आ जाए यार, क्योंकि दो दिन से हमने बर्फ़ देख लिया, और एक दिन थोड़ा सा आज हम रेस्ट डे है हमारा, आज हम पूरा दिन यहीं रुकेंगे, तो अगर धूप आएगी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, लेकिन देखते हैं क्या भगवान को मंजूर होगा, वही होने वाला है आपको पता ही है। तो रात को ना यार यहाँ इतनी तेज़ हवा चली है, इतनी तेज़ हवा चली है, सुबह के टाइम ज़्यादा चलती है, सुबह तो ऐसा लगा कि बस टेंट उड़ ही जाएगा, फट ही जाएगा, लेकिन फिर भी टेंट ना आवाज़ बहुत करता है हमारा, लेकिन ऐसा है कि टूटना फटना जैसा कुछ नहीं है, जरा वो जो उसके क्लिप्स वगैरह हैं वो खुल जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना ही होता है, तो ठीक है सर्वाइव कर रहा है इतनी हवा में। बाकी सागर भाई का टेंट बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल चुपचाप, बढ़िया मस्त हवा झेल रहा है। रात को नींद भी ठीक ठाक आ गई, बस सुबह के टाइम ना हवा की वजह से डिस्टर्ब हो रही थी, और गाड़ी भी रात से सुबह तक ऑन ही थी और अभी तक ऑन है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, जितने बार्स थे उतने के उतने ही बार्स हैं गाड़ी में, तो एक बार की रेंज तो होती होगी कम से कम, कितना पता नहीं, 5-1 किलोमीटर की तो होती, 5-1 लीटर की तो होती होगी, तो मुझे लग रहा है 2-3 लीटर जा सकता है पूरी रात में, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर हमारे 200-300 रुपये में पूरी रात गाड़ी ऑन रख के अगर सही रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। BS6 डीजल को तो स्टार्ट रख नहीं सकते, लेकिन BS4 वाली तो रख सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं आती है इनमें।
तो वही है बाकी यार। ये देखो सुबह सुबह डॉगी भागा इधर, पूरे पूरे रास्ते बना दिए उसने, और ये आ गए सूर्य देवता। अच्छा लग रहा है सुबह सुबह धूप को देख के। और ये हमारे यहाँ के नज़ारे हैं। ये यहाँ पे ना ये कुछ पता नहीं फैक्ट्री सी है, पता नहीं किस चीज़ की, रेत बजरी निकालने की है या क्या है नदी में से, क्योंकि ये देखो ये ऐसे 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 निशान बने हुए हैं, इसके नीचे शायद रेत या बजरी है बर्फ़ के नीचे। तो ये और ये रहे हमारे कैंप्स, कितने सुंदर लग रहे हैं भाई देखिए, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। और ये वो जगह है पूरी की पूरी जहाँ पे हमने कैंप किया था। ये अगर कभी भी आप स्पीति आते हो ना तो ये एक ही पॉइंट है सिर्फ, और आपको देख के पता लग जाएगा कि ये कौन सा पॉइंट है। इसके साथ में करिए ये देखो, कल इन पत्थरों के ऊपर बर्फ़ नहीं थी, इन चोटियों के ऊपर, लेकिन आज पूरी बर्फ़ है। अरे भाई अरे भाई, यहाँ पता नहीं कैसा कैसा बर्फ़ है नीचे। ये कुछ टेंट्स थे हमारे, इतनी तेज़ हवा आती है रात को पूरी बर्फ़ उड़ जाती है। लेकिन ये देखो मूछें, ये अपनी गाड़ी में भी ऐसे हो गया पूरा, मस्त लग रही है। लेकिन तो गाइस इधर लगा हमारा कैंप, और इधर हमारे कुछ दोस्त मिल गए हमें, सब्सक्राइबर्स हैं, वीडियोस देखते थे अपने ही मतलब धर्मशाला से। और इधर भाई देखो बर्फ में, ये सही है भाई। तो मैं आया हूँ रोड चेक करने कि कितनी बर्फ है, क्या है, ब्लैक आइस है नहीं है। हाँ यार ब्लैक आइस तो नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो बड़े प्यार से जा रही है बाइक, एकदम प्यार से जा रही है, ये सही है। तो यार आज हमने प्लान किया है कि मेरे वाले टेंट में बनेगा खाना, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा बड़ा है, ठंड में कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी निकल रहा है। और अंदर ना हवा भी नहीं होगी, अंदर आराम से खाना बन जाएगा। तो भानु को भेज रहे हैं ऊपर, और ये हीटर लगेगा ऊपर, उसी में बनेगा खाना। और हम यहाँ से नीचे से कटिंग चॉपिंग करके सब ऊपर देते रहेंगे सामान जो भी है। तो ऐसा कुछ चल रहा है हमारा विंटर कैंपिंग का सिस्टम, अभी पुलाव बनाएंगे, चाय वगैरह बनाएंगे, ऊपर जाकर ही बनाएंगे। लेकिन तो गाइस वो सब आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो हो रही है लंबी, और देखते हैं आज कैसे कैसे हम सरवाइव कर पाएंगे। मौसम पूरा ख़राब है और आसपास भी कुछ नहीं है, और बस एक दो फ्रेंड आए थे हमसे मिलने, उनका घर पास में, उन्होंने बोला कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो पास में आ जाना, तो कुछ भी होगा तो आपको बताएंगे। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, सागर भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, सीख विद सागर। और आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, यहीं से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कैसा कैसा खाना बनेगा टेंट में, क्या क्या होता है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।